देश में अग्निवीर योजना को लेकर के बवाल चल रहा है। एक पक्ष अग्निवीर योजना को अच्छा बताता है, एक पक्ष उसको बुरा बताता है। सबके अपने अपने अलग अलग इसको लेकर के अपनी परिभाषा है। शहीद अंशुमान सिंह के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे समझेंगे। एक जो आर्मी ऑफिसर के पिता हैं और जो खुद आर्मी में रहे हैं, वो क्या सोचते हैं अग्निवीर योजना को लेकर के। सर, अग्निवीर योजना जिस तरीके से शुरू हुई, उसके बाद अलग अलग परिवारों ने, कुछ ने इसका विरोध किया, कुछ ने इसको सही बताया, पॉलिटिसाइज भी ये योजना पूरी तरीके से हुई, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? देखिए, जो भी देश के लिए करता है, जो विरोध करते हैं या जो पक्ष में हैं, सबकी अपनी एक ही भावना है कि इस देश को सुदृढ़ करना है और इस सेना को अच्छा करना है। तो जो सरकार में लोग हैं वो निश्चित रूप से इसका एक डिटेल स्टडी कराए होंगे, जिसका नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या उसके मापदंड हैं, वो एज रहा होगा, उस पर होने वाले खर्चे रहे होंगे, हमारी टिथ टू टेल रेशियो का कुछ रहा होगा, और जो एवरेज फाइटिंग आर्म्स की आयु है वो रही होगी, और तमाम चीज़ें रही होंगी। तो उसके हिसाब से देश में अग्निपथ योजना आई। लेकिन अग्निपथ योजना में जैसे अग्निपथ है, अग्निवीर तो उनको कहा जाता है, लेकिन योजना तो अग्निपथ है। तो वो योजना जब आई तो उसके प्रोज और कौनस थे। अभी तीन बैच, मेरे ख्याल से दो या तीन बैच गए हैं, 45-46 हज़ार में जा रहे हैं, जिसमें आपको ये है कि 25% रखे जाएंगे, अप टू 25% है, तो 25% तो रखे जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ, तो 11,500 करीब उसमें स्टे होंगे और बाकी लोग वापस आएंगे। तो इस योजना में मेरा ऐसा कहना है, मैं राजनीतिक तौर पर कोई बयान नहीं दे सकता, व्यक्तिगत तौर पर बींग एक्सपोजी में अपना बयान दे सकता हूँ कि ये योजना राष्ट्र की सेना को सशक्त करने के लिए है। लेकिन इस योजना में थोड़ी सी कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग, क्योंकि ड्यूरेशन बड़ा कम है, 4 साल का, और उसके बाद आप फाइटिंग आर्म में तो इसको भेज सकते हैं, जो लड़का इन्फेंट्री में 6 महीने बाद जा रहा है, लेकिन टेक्निकल सेगमेंट में जैसे इंजीनियर में, या आप ये कहें कि आर्टिलरी में, या आप ये कह सकते हैं सिग्नल्स में, इनमें जो लोग जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कुछ ट्रेड हैं जिनमें आपको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और टैंक्स वैंक्स हैंडल करने पड़ते हैं, जो कि जवानी करते हैं हमारे यहाँ, सामान्यतः वो विदेशों में अफसर करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत वास्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उतना ट्रेनिंग देते देते लगभग शुरू के ही 2-2.5 साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद 1 या 1.5 साल का टाइम बचता है। तो आप 2.5 साल किसी पे खर्च करके और 1.5 साल में फिर आप उससे क्या पाएंगे, और उसके बाद अगर आप उससे उसको उसके स्पैन को बढ़ा देते हैं, 7 साल कर देते हैं या कुछ और करते हैं, इनटेक को कुछ बढ़ा देते हैं, जो कि रेगुलर आर्मी में जो इनकी एक्सपर्टीज और होगी, तो इसमें देश को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। आप चाहते हैं सर कि जो अग्निवीर योजना है, आप उसको ऐसे देखते हैं कि अग्निवीर योजना का जो समय है 4 साल, वो कम है, उसको बढ़ाया जाए, अगर ये योजना सही है, या अगर ये बढ़ जाता है और इनकी ट्रेनिंग ठीक हो जाती है, जो भी इनको जितनी भी सिखलाई देगी ये सर्वोत्तम अपना देंगे। ऐसा नहीं कि कोई अग्निवीर रेगुलर आर्मी में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, लड़ेंगे वो बिल्कुल साथ में ही रहेंगे, लेकिन अगर उनकी एक्सपर्टीज को बढ़ाई जाएगी तो ये देश के लिए भी फायदा है, सेना के लिए भी फायदा है। और अगर ये एक ट्रेंड सोल्जर आपके पास आएगा तो आप एकोमोडेट करते हैं इसको पैरामिलिट्री फोर्स में, जैसे आसाम राइफल में, या ITBP में, या BSF में, जो कि डायरेक्टली आधा रेगुलर आर्मी के बराबर काम करते हैं, और जो पुलिस में, जो सेंट्रल पुलिस है, तो उसमें जैसे CISF है, और बाकी चीज़ों में जो लगभग 7 हमारे पास एक एक्चुअल का है, तो पैरामिलिट्री फोर्स एक ही है आसाम राइफल, जो कि बिल्कुल सेना के समानांतर है लगभग, जो कि नॉर्थ ईस्ट में को देखती है, और बाकी जो 6 हैं वो सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं। तो उन सब में करें, और सारी स्टेट की पुलिस में आप एकोमोडेट अगर कर दें, तो एक आपको बिना ट्रेनिंग का वेल ट्रेन और डिसिप्लिन सोल्जर मिलेगा, जो कि यह देश के लिए भी ठीक होगा और समाज के लिए भी ठीक होगा। यानी कि मतलब अगर किसी को, जैसे आपने कहा 25% जो स्कीम है कि 25% लोग को रखते हैं, बाकी लोग को अगर हटाते हैं, तो बाकी जगहों पे उनको एकोमोडेट जो किया जाए, वो बाकी जो फोर्सेज हैं उसमें अगर उनको एकोमोडेट किया जाए तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 साल पैर पटकने के बाद कोई व्यक्ति आप ये उम्मीद करें कि फिर आकर के इस कम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकालेगा, और 10th पास करके गया या 12th पास करके गया, हो सकता है कोई BA भी पास करके गया जिनको थोड़ी एज में रिलैक्सेशन मिला, उसके बाद आप आएंगे जो 4 साल फौजी सिनेरियो में बिताने के बाद वो तत्काल आकर के और फिर कोई एग्जाम दे करके करें, तो जब तक उनको उस रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपकी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, क्या उनसे भी अग्निवीर योजना को लेकर के आपकी कोई बातचीत हुई?
नहीं, राहुल गांधी जी से जो बात हो रही थी तो मेरे बेटे की जो 3.5 साल की शहादत की जब बात आई तब उन्होंने कहा कि 4 साल तो अग्निवीर का जो टेन्योर है, तो क्या आपको बताएं कि ये सब कुछ आपको मिला? मैंने कहा बिल्कुल, एक रेगुलर आर्मी के तौर से जो मुझे मिलना चाहिए सब कुछ मिला, सरकार का सहयोग मिला और सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अग्निवीर के साथ हुआ तो कदाचित नहीं मिलता। तो मैंने कहा निश्चित रूप से शायद पेंशन, कैंटीन या मेडिकल की फैसिलिटी जो मेरी बहू को अभी मिल रहा है वो नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, ये मान लीजिए जिसने देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया है उसके लिए चीज़ें तो मिल रही है। और वो मुस्कुरा के बोले कि मैं इसके लिए देख रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इसके लिए। आपकी भी, चूंकि आपके बेटे की शहादत के बाद आप अलग अलग जगहों पर मुलाकात हुई, सीएम योगी से लेकर के रक्षा मंत्री से भी आप मिले, क्या उन लोगों से भी अग्निवीर योजना को लेकर के भी कोई बातचीत आपके बीच में कुछ हुई? नहीं, माननीय योगी जी से 2 बार मुलाकात हुई, कोई बात नहीं। रक्षा मंत्री से हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मुझसे इस मौजू पे बात करें। और देश के रक्षा मंत्री मुझसे इसमें क्यों बात करेंगे, या स्टेट का मसला नहीं है कि योगी जी हमसे बात करें। वो मैं जब भी मिलने गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक बड़े महान दोनों नेता हैं और उनका हृदय बड़ा विशाल है। और राहुल जी से भी मैं मिला तो मैंने देखा कि बड़े विशाल हृदय के सुलझे हुए और बहुत बड़े मजे हुए एक व्यक्तित्व का परिचय मुझे मिला। और उन्होंने ये बात जो बहुत बड़ी कही कि मैंने भी शहादत को खोया समझा है, अपने पिता को खोया है और अपनी दादी को खोया, उनकी आँखें भी नम हो गई थी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए और आपके बेटे ने जो देश के लिए किया है ये याद किया जाएगा और यह देश या सेना और हम सब आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के एक शहीद के पिता और एक पूर्व फौजी के क्या उनकी जो सोच है वो हमने आपको इसमें दिखाने की कोशिश करी। उनका इस बात का मानना है कि अगर हम किसी की ट्रेनिंग में 2 से 2.5 साल खर्च कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से देश के अलग अलग फोर्सेज में या देश में इस तरीके से हो कि वो देश के लिए काम आए। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.